एक तरफ बिहार सरकार और बिहार पुलिस ये कहती हुई नजर आती है कि बिहार में शराबबंदी को सफल करके ही दिखाएंगे, दूसरी तरफ शराब माफिया और शराब तस्कर ये कहते हैं कि चाहे आप जितना जोर लगा लें, हम बिहार में शराबबंदी को सफल नहीं होने देंगे। ताजा मामला बिहार के नवादा जिले का है, जहां पुलिस वालों को भारी मात्रा में देशी शराब बरामद हुआ है। हालांकि जब छापेमारी करने पुलिस वहां पहुंची तो कारोबारी फरार हो गए। बताया जा रहा है कि नवादा जिले के मफासिल थाना क्षेत्र के ग्राम लोहरा चौक के पास पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक बंद घर में भारी मात्रा में लैला नामक देशी शराब को बरामद किया है। आपको बता दें कि संध्या गश्ती के दौरान पुलिस ने यहां छापेमारी की, गुप्त सूचना के आधार पर यहां 1000 पीस देशी शराब बरामद किया गया है, जबकि इस छापेमारी के दौरान कारोबारी मौके से फरार हो गया। नवादा से सनी भगत की रिपोर्ट। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग को बता दिया। सर, कहाँ से बरामद हुई है सर शराब? लोहरा में सूचना मिला था कि एक घर में शराब है, वही धुरपत माझी जो यहाँ भट्टा पर गया है उसी के घर में रखा हुआ था, लेके आए। हम लोग जांच कर रहे हैं कौन उसमें शामिल है, जांच करके उसके बाद गिरफ्तारी की जाएगी। कितना शराब है सर? 778 बोतल है चैंपियन का, लगभग 155 लीटर के आसपास। गिरफ्तारी अभी नहीं हुई। युवा खोलिए मेरा जी, युवा खोलिए लेवल सामने का गाड़ी किनका है? बस 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 दे दो, अपना धोएगा। है राहुल, राहुल सुबह से क्या उपलब्धि मिली आज? लोहरा गांव के बीहर चक है, उसमें एक धुरपत माझी का घर तालाबंद घर था, उसी में सूचना मिला कि शराब रखा हुआ है, तो गए हम लोग तो देखे कि उसमें चैंपियन ब्लू का 778 बोतल 200 ml का था, जो कुल 155 लीटर हुआ। जांच कर रहे हैं हम लोग कि कौन रखा था। गिरफ्तारी हुई है? ना, गिरफ्तारी हुई है, जांच करके गिरफ्तार। नाम सर आपका? नाम मुकेश कुमार।